हेलो बच्चों, मैं रविकांत सिन्हा एलिट एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हम इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 3। जी हाँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंजंक्शन और उसके यूजेस के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं और जल्दी मिल जाएं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कंजंक्शन होता क्या है। व्हाट इज कंजंक्शन? कंजंक्शन है क्या? कंजंक्शन एक जॉइनिंग वर्ड हो सकता है जो दो वर्ड या फ्रेजेस या सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर हम एग्जांपल के लिए देख सकते हैं राम और श्याम, राम एंड श्याम विल कम। तो यहाँ पर जो एंड है, राम और श्याम के बीच जो एंड लगा हुआ है, वो कंजंक्शन का काम कर रहा है। यानी राम और श्याम दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड कर रहा है, यानी कंजंक्शन कर रहा है। ठीक है, कोरोना एंड ब्लैक फंगस आर द टू मेजर इंटर रिलेटेड डिजीज। कोरोना और ब्लैक फंगस दो डिफरेंट डिजीजेस है, लेकिन दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, तो दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? एंड। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया तो कि कंजंक्शन जॉइनिंग वर्ड कहलाता है। ठीक है, ही सेड दैट ही वुड कम। उसने कहा, क्या कहा? ही वुड कम। तो यहाँ पर दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? कंजंक्शन कर रहा है, यानी दैट। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर कंजंक्शन का यूज़ करके हम दो अलग अलग चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं। काया इज़ प्लेइंग विद द कार। यहाँ पर काया जो है कार से खेल रही है। शी इज़ प्लेइंग विद द ब्लॉक्स, और ब्लॉक से भी खेल रही है। तो दोनों अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? कंजंक्शन, यानी एंड। लियोन इज़ रीडिंग एंड ही इज़ लिसनिंग टू म्यूजिक। तो यहाँ पर भी एंड, जो लियोन जो है म्यूजिक भी सुन रहा है और पढ़ भी रहा है। स्टेला इज़ प्लेइंग टेनिस एंड शी इज़ ईटिंग बर्गर। वो बर्गर खा रही है और टेनिस भी खेल रही है। जैडन इज स्लीपिंग एंड ही इज़ ड्रीमिंग अबाउट द विनिंग द रेस। वो सो रहा है लेकिन वो सपने भी देख रहा है जीतने की। ठीक है बच्चों, बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शन की। सबसे पहला है एंड। एंड का मतलब होता है और। ठीक है, नेक्स्ट है अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब होता है नहीं तो। अदरवाइज का मतलब होता है नहीं तो। ठीक है, या फिर अन्यथा। अन्यथा भी बोल सकते हैं और नहीं तो भी बोल सकते हैं। देयरफोर। देयरफोर का मतलब होता है अंततः। क्या होता है? अंततः, इसलिए। इसलिए, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है फलस्वरूप। फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप या फिर फलस्वरूप, जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर है नीदर नॉर। नीदर नॉर का मतलब होता है ना तो ये ना तो वो। ना तो ये ना तो वो, नीदर और नॉर। फिर सो दैट। सो दैट का मतलब होता है, सो दैट का मतलब होता है इतना कि। इतना कि, सो दैट का मतलब हो गया इतना कि। सो एज। सो एज का मतलब क्या हो गया? सो एज का मतलब हो गया इतना जितना। इतना या फिर जितना। ठीक है, वेदर और। वेदर और का क्या होगा? वेदर और का मतलब हो गया या। वेदर यू डू दिस और डू दैट। वेदर यू ईट राइस और वेदर यू ईट चपातीस। वेदर यू ईट राइस और चपाती। नेक्स्ट है एज सून एज। एज सून एज का मतलब हो गया जैसे ही। एज सून एज मतलब हो गया जैसे ही या वैसे ही। वैसे ही, ठीक है। नेक्स्ट है एज फार एज का मतलब हो गया यहाँ पर जहाँ तक। नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका मतलब क्या हो गया? नॉट ओनली बट ऑल्सो का, नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब हो गया ना ही सिर्फ या बल्कि। ना ही सिर्फ बल्कि, ठीक है। नॉट ओनली ही इज गुड बट ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट। नेक्स्ट वर्ड है वेयर। वेयर का क्या होगा? जहां। वेयर का क्या होगा? जहां, ठीक है। वेयर एवर। वेयर एवर का मतलब हो गया, वेयर एवर का मतलब हो गया जहां कहीं भी। वेयर एवर का मतलब हो गया जहां कहीं भी, ठीक है। वेन एवर का मतलब क्या हो गया? वेन एवर का मतलब हो गया जब कभी भी। जब कभी भी, ठीक है। वाइल का मतलब क्या हो गया? वाइल का मतलब हो गया के दौरान। उस पल के दौरान या उस समय के दौरान, के दौरान के लिए हम यूज करेंगे वाइल। एस का, एस का मतलब हो गया, एस का मतलब हो गया चूंकि। चूंकि, एस का मतलब चूंकि। सच दैट। सच दैट का मतलब भी चूंकि होता है, ठीक है। चूंकि वो, उसने मेहनत की इसलिए उसे वो फल मिला।
नेक्स्ट वर्ड है प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब हो गया बशर्ते, बशर्ते ठीक है, बशर्ते वो तैयार हो जाए, उसके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, बशर्ते वो मेहनत करें, ठीक है। तो ये सारे वर्ड क्या हो गया प्रोवाइडेड में आ जाते। नेक्स्ट वर्ड है दो, दो का मतलब हो गया यद्यपि, वेयर एज, जहां तक, वेयर एज का मतलब हो गया जहां तक, एज दो, एज दो का मतलब भी क्या हो गया यद्यपि, एज वेल एज, एज वेल एज का मतलब क्या हो गया एज वेल एज साथ ही साथ, एज वेल एज का मतलब हो गया साथ ही साथ, ठीक है। सो हैंस, सो हैंस का मतलब क्या हो गया सो हैंस, सो हैंस का मतलब क्या हो गया इसलिए, इसलिए सो हैंस, ठीक है। नेक्स्ट है इधर और, या तो ये या तो वो, इधर और मतलब या तो ये या तो वो, ठीक है। नेक्स्ट है बोथ एंड, बोथ एंड मतलब दोनों, दोनों। नेक्स्ट है स्केयरली वैन, स्केयरली वैन यानी स्केयरली मतलब हो गया बहुत ही मुश्किल से, स्केयरली मतलब हो गया मुश्किल से, मुश्किल से, ठीक है। स्केयरली या हार्डली ये दोनों एक, इसके मतलब एक ही होते हैं, मुश्किल से, और वैन का मतलब होता है जब की, ठीक है। उसके बाद है अनटिल अनलेस, अनटिल अनलेस, उसके बाद है अनटिल और अनलेस, अनटिल अनलेस का मतलब हो गया अनटिल अनलेस, जब तक, अनटिल अनलेस का मतलब हो गया जब तक, ठीक है। उसके बाद है बिकॉज, बिकॉज का मतलब हो गया क्योंकि, बिकॉज का मतलब हो गया क्योंकि, ठीक है। उसके बाद है लिस्ट, लिस्ट शुड, वरना ऐसा ना हो कि, वरना ऐसा ना हो कि, लिस्ट यू शुड, ठीक है, वरना ऐसा ना हो कि। इफ, इफ जो है कंडीशन में आ जाता है, एज ए बी कंडीशन में आ जाता है, ऑल दो यद्यपि, नेवर दिलेस का मतलब हो गया तथापि, नेवर दिलेस का मतलब हो गया तथापि, ऐसा होने पर, नेवर दिलेस का मतलब हो गया तथापि, ऐसा होने पर, ठीक है। बच्चों अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शन की, कंजंक्शन के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहला कंजंक्शन है वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग का मतलब हो गया कोऑर्डिनेट करना यानी जोड़ना, ठीक है, मतलब दो इक्वल चीज़ों को जोड़ना, पत्थर से पत्थर को जोड़ना, लोहे को लोहे से जोड़ना, दो इक्वल कैटेगरी को जोड़ना, ठीक है, वो कहलाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसमें वर्ड यूज़ किए जाते हैं और, एंड, नॉर, बट, और, यट, सो। तो ये सारे जो कंजंक्शन यूज़ किए जा रहे हैं ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में ही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, जिसमें वर्ड से वर्ड होगा, फ्रेजेस से फ्रेजेस होगा, सेंटेंसेस से सेंटेंसेस होगा, क्लॉजेस से क्लॉजेस में होगा, ठीक है। इसके और पार्ट्स हैं, सबसे पहला पार्ट है वो है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन क्या है देखो, जहाँ पर एंड, ऑल्सो, बोथ, एज वेल एज, नाउ, टू, नो लेस देन, ये सारे कंजंक्शन यूज़ किए जाते हैं, वो होता है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। यहाँ पर देखिए ही इज़ रिच एंड हैप्पी, यहाँ पर वो बताया जा रहा है वो रिच है और खुश है, वो अमीर है और खुश है, तो दो इक्वल कंडीशन बताई जा रही है, ठीक है। राम एज वेल एज श्याम इज कमिंग, राम के साथ कौन आ रहा है, श्याम आ रहा है, तो यहाँ पर एज वेल एज यूज़ किया गया है एज अ क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, इसीलिए राम और श्याम को यहाँ पर बताया गया है कि राम और श्याम दोनों आ रहे हैं। सेकंड कंजंक्शन आता है वो ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन में क्या आ जाता है, इधर और, नीदर नॉर, एज अदरवाइज, ना तो ये ना तो वो, या तो ये या तो वो, ठीक है, या फिर अदरवाइज नहीं तो, ठीक है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल देख सकते हैं, इधर सीट क्वाइटली और गो अवे, यहाँ पर बोला जा रहा है चुपचाप बैठो या फिर बाहर जाओ, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, या तो चुपचाप बैठो या फिर बाहर जाओ, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया जा रहा है, ऑल्टरनेटिव दिया जा रहा है, यहाँ पर कंडीशन, यहाँ पर आपको विकल्प दिया जा रहा है, ठीक है। यू मस्ट रन फास्ट एज यू विल मिस द ट्रेन, तुम्हें तेज़ भागना होगा अदरवाइज तुम ट्रेन को मिस कर दोगे, ट्रेन आपकी छूट जाएगी, तेज़ भागोगे नहीं तो हार जाओगे, ठीक है, जल्दी खाना खाओगे तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है हमारा एडवर्सेटिव कंजंक्शन, इसमें आ जाता है बट, येट, स्टिल, ओनली, हाउ एवर, नेवर दिलेस, वाइल, वेयर एज, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एग्जाम्पल एडवर्सेटिव का, ही इज़ रिच, वो अमीर है, बट ही इज़ नॉट हैप्पी, लेकिन वह अमीर तो है लेकिन वह खुश नहीं है, बट ही इज़ नॉट हैप्पी, तो यहाँ पर दो चीज़ें एडवर्सली बताई जा रही है, वो अमीर है लेकिन खुश नहीं है। ही इज़ इंडस्ट्रियस, उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, स्टिल ही डज नॉट गेट द गुड मार्क्स, उसके पास सारी सुख सुविधाएँ हैं, येट या स्टिल ही
डज नॉट गेट द गुड मार्क्स, उसके बावजूद भी उसे अच्छे मार्क्स नहीं मिले, तो यहाँ पर स्टिल का ही उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर ये सारे क्या है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन में आ जाता है। इसमें एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, आफ्टर ऑल, इन एडिशन, नेक्स्ट, ऑल्सो, इंसिडेंटली, नंदीलेस, एज अ रिजल्ट, इंडीड, ऑन द कॉन्ट्रे, बिसाइड्स, इनफैक्ट, ऑन द अदर हैंड, कॉन्सिक्वेंटली, इन अदर वर्ड्स, अदरवाइज, फाइनली, इंस्टेड, स्टिल, फर्दर मोर, मीन वाइल, देयरफॉर। ठीक है, नेक्स्ट कंजंक्शन है इलिटेटिव कंजंक्शन। इलिटेटिव कंजंक्शन क्या है, इलिटेटिव कंजंक्शन जॉइंस टू एक्शन इन विच वन एक्शन इज द रिजल्ट ऑफ अनदर एक्शन। इलिटेटिव कंजंक्शन में क्या है, दो एक्शन को ज्वाइन कर रहा है, यहाँ पर दो एक्शन आपस में जुड़ते हैं। अब दो एक्शन आपस में जुड़ रहे हैं और एक एक्शन दूसरे एक्शन पर डिपेंड करता है, एक एक्शन जो है दूसरे पर डिपेंड करता है, तो ऐसे कंजंक्शन क्या कहलाते हैं, इलिटेटिव कंजंक्शन। एग्जाम्पल के ले सकते हैं हम, आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम, तो यहाँ पर सो का यूज किया गया है, सो आई कुड नॉट कम, तो मैं बीमार हूँ, सो आई कुड नॉट कम। तो ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या है, आप बीमार हो इसलिए आप नहीं गए वहाँ, ठीक है, आप बीमार हो इसलिए आप मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए, ठीक है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए आप खाना नहीं खा रहे हो, ठीक है, आपने मेहनत नहीं की इसलिए आप फेल हो गए। तो ये सारे क्या है, रिजल्ट बता रहे, एक जो एक एक्शन जो है दूसरे एक्शन पे डिपेंड है, अगर आप मेहनत करते हो तो पास हो जाते हैं। बच्चों अब बात कर लेते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, यहाँ पर कंडीशंस का यूज ज़्यादा हुआ होता है। यहाँ पर इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेड, अगर तुम मेहनत करोगे तुम्हें सफलता मिलेगी। सिंस आई वॉज बिजी आई कुड नॉट कॉल यू अप, चूंकि मैं बिजी था इसलिए मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाया। तो यहाँ पर दोनों चीज़ कंडीशन बताई जा रही है, कंजक्शन यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के, तो हम देख लेते हैं, आफ्टर, इन ऑर्डर, अनलेस, ऑल्दो, सो फार, अनटिल, एज फार एज, लीस्ट, वेन एवर, एज सुन एज, नो मैटर हाउ, वेयर, एज इफ, नाउ दैट, वेयर एवर, एज दो, वंस, वेदर, बिकॉज, प्रोवाइडेड, वाइल, बिफोर, सिंस, वाई, इवन इफ, सो दैट, इज मच एज, इवन दो, सपोजिंग, दो, हाउ, देन, इन केस। तो ये सारे क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब यहाँ पर देख सकते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के कुछ एग्जांपल्स हैं, जहाँ पर हम बात करें कंपैरिजन के लिए यूज़ करें, कंपेयर करने के लिए क्या क्या यूज कंजंक्शन यूज़ करते हैं, वो है हमारा देन, देन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ही इज़ मोर बेटर देन हिम, ही इज़ मोर, रवि इज़ मोर बेटर देन, ही इज़ रवि इज़ मोर इंटेलिजेंट देन श्याम, ठीक है, रेदर देन का यूज़ करते हैं, ठीक है, वर्क हार्ड रेदर देन वेस्टिंग योर टाइम, वेदर ही इज़ राइट और रॉन्ग, डू एज मच एज पॉसिबल, राम इज गुड वेयर इज श्याम इज बैड, ठीक, टाइम के फेवर में करते हैं तो टाइम के फेवर में आफ्टर आ जाता है, एज सून एज आ जाता है, अनटिल आ जाता है, वेन एवर आ जाता है, और नाउ देट आ जाता है, ठीक है, ही कम्स आफ्टर रूही, एज सून एज पॉसिबल, अनटिल, यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, वेन एवर आई गेट एन अपॉर्चुनिटी आई विल कॉल यू, फिनिश इट नाउ सो दैट यू कैन मूव टू योर होम, ठीक है, इस प्रकार के टाइम से रिलेटेड फेवर जो है यहाँ पर कंजक्शन यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है कंसेशन में, कंसेशन में क्या होते हैं, दो, यद्यपि, ऑल दो, इवन दो, रिलेटिव प्रोनाउन के फेवर में क्या जाता है, हु, हूएवर, हुम, हुम, सो एवर, हुज, हु इज दैट पर्सन, हु आई नो, हुएवर नो दिस प्लीज आंसर, टू हुम आई कंसिडर, आई वॉज वेटिंग फॉर हिम हुज पेन इज lying on the table। reason के फेवर में देखते हैं, because, since, so that, in order, as, ठीक है, he is very rich, because he worked hard, since he was working very hard, he succeeded, you do your work so that you can complete your work on time, in order to achieve something you have to work hard, as condition के फेवर में देखते हैं, if only if unless provided that assuming that, ठीक है, if you work hard you will succeed, it is possible only if you work hard, unless you work hard you will not succeed, place के फेवर में where, wherever, wherever it is possible I will give you the money, wherever it is possible I will purchase a plot, relative adjective क्या हो जाएगा, that, whatever, which, विच एवर, ठीक है, इस ये प्रकार के रिलेटिव एडजेक्टिव है। मैनर्स में आ जाएगा हाउ, एज दो, एज इफ, ठीक है, हाउ, एज दो, एज इफ, आफ्टर, ऑल दो, एज, एज फार एज, एज इफ, एज लॉन्ग एज, एज सुन एज दो, बिकॉज, बिफोर, कंसिडरिंग, कंसिडरिंग दैट, इफ, इन मच, इन ऑर्डर दैट, सिंस, एज लॉन्ग एज, सो दैट, देन, दैट, दो, टिल, अनलेस, अनटिल, वैन, वैन एवर, वेयर, वेयर एज, वेयर एवर, हुएवर, वाइल, विच, whichever,
अब ये कुछ एक्सरसाइज है, इसको हम करते हैं। पहला दिया हुआ है जॉन स्मोक्स डैश हिज ब्रदर डजंट, यहाँ पर कौन सा कंजंक्शन यूज होगा? बट एंड सो। जॉन स्मोक्स, तो यहाँ पर क्या कंजंक्शन आ जाएगा? बट हिज ब्रदर डजंट, मतलब जॉन स्मोक करता है लेकिन उसका ब्रदर स्मोक नहीं करता, तो यहाँ पर लेकिन यानी बट आ जाएगा। नीदर एलिस डैश मैरी हैज कम, नीदर के साथ क्या जुड़ जाएगा? नॉर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा नॉर। थर्ड क्या आ जाएगा? सी स्पीक्स इंग्लिश डैश स्पेनिश, इंग्लिश और स्पेनिश दोनों लैंग्वेज है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एज वेल एज, दोनों साथ साथ वो बोल लेती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एज वेल एज, ठीक है। आई लाइक हिम डैश इज वेरी सिंसियर, आई लाइक हिम बिकॉज ही इज वेरी सिंसियर, किस लिए पसंद करते हैं? बिकॉज, यहाँ पर वो सिंसियर है, इसलिए यहाँ पर वर्ड जुड़ गया, कंजंक्शन जुड़ गया बिकॉज। डैश ही वर्कड हार्ड, ही डिड नॉट विन, ठीक है, दो ही वर्कड हार्ड, यहाँ पर आ जाएगा दो, दो ही वर्कड हार्ड ही डिड नॉट विन, है ना, हालांकि यद्यपि वो उसने मेहनत की लेकिन वो उसे सफलता नहीं मिली या वो जीत नहीं पाया, ठीक है। नेक्स्ट है शी इज इल डैश शी इज चीयरफुल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? शी इज इल, मतलब वो बीमार है लेकिन फिर भी वो खुश है, ठीक है, शी इज इल बट शी इज चीयरफुल, तो यहाँ पर आ जाएगा बट, लेकिन वो बहुत ही खुश है। डैश इट वॉज रेनिंग वी डिसाइडेड टू गो आउट, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हाउ एवर इट वॉज रेनिंग, यहाँ पर क्या आ जाएगा? हाउ एवर आ जाएगा, हाउ एवर, हालांकि बारिश हो रही है लेकिन हम बाहर जाने के लिए रेडी हुए, ठीक है। द पीपल प्लेड डैश द चिल्ड्रंस डांस, ठीक है, द पीपल प्लेड एंड द चिल्ड्रन डांस, यहाँ पर क्या आ जाएगा? एंड आ जाएगा, ठीक है। जेम्स वर्क हार्ड डैश इज ब्रदर इज लेजी, जेम्स मेहनत करता है बट उसका भाई जो है लेडी, जेम्स वर्क हार्ड डैश हिज ब्रदर इज लेजी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जेम्स मेहनत करता है जहाँ और वहीं उसका भाई, वहीं मतलब वेयर एज, यहाँ पर आ जाएगा वेयर एज हिज ब्रदर इज लेजी। आई वेंट टू द शॉप, आई वेंट टू द शॉप डैश बॉट सम वेजिटेबल्स, आई वेंट टू द शॉप एंड बॉट सम वेजिटेबल, आई वेंट टू द शॉप यहाँ पर क्या आ जाएगा? I went to the shop, dash bought some vegetable. I went to the shop, hence यहाँ पर क्या आ जाएगा? Hence I bought some vegetable. मतलब आप वहाँ पर पहुँच कर इसलिए आप वहाँ पर सब्जी खरीदें, आप शॉप गए और वहाँ पर वेजिटेबल आपने खरीदा, ठीक है। You must start as once, dash you will be late. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपको शुरुआत करनी होगी, अदरवाइज आप लेट हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा अदरवाइज, क्या आ जाएगा? अदरवाइज कंजंक्शन आ जाएगा। ही मस्ट बी टायर्ड डैश ही हैज़ बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, ही मस्ट बी टायर्ड डैश ही हैज़ बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ही मस्ट बी टायर्ड बिकॉज ही हैज़ बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? बिकॉज, ही मस्ट बी टायर्ड डैश ही हैज़ बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ही मस्ट बी टायर्ड सो ही हैज़ बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सो ही हैज़ बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है दिस इज द प्लेस डैश वी स्टेड लास्ट टाइम वी विजिटेड, दिस इज द प्लेस वेयर, यहाँ पर आ जाएगा वेयर वी स्टेड लास्ट टाइम वी विजिटेड। डैश यू विन द प्लेस यू विल रिसीव अ प्राइज, तो यहाँ पर क्या कंडीशन आ रहा है? डैश यू विन फर्स्ट प्लेस यू विल रिसीव अ प्राइज, यहाँ पर क्या कंडीशन आ जाएगा? इफ, ठीक है, इफ यू विन द रेस, इफ यू विन द फर्स्ट प्लेस यू विल रिसीव अ प्राइज, ठीक है। यू वॉन्ट पास द टेस्ट डैश यू स्टडी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आप टेस्ट पास नहीं कर सकते अनलेस यू स्टडी, तो अनलेस आ जाएगा यहाँ पर कंडीशन, ठीक है। आई कुड नॉट गेट अ सीट डैश केम आई केम अर्ली, ठीक है, आई कुड नॉट गेट द सीट, मैं जल्दी आ गया लेकिन फिर भी मुझे सीट नहीं मिल पाई, ठीक है, आई कुड नॉट गेट अ सीट आई कुड नॉट गेट अ सीट दो आई, यहाँ पर क्या जाएगा? दो आई केम अर्ली, मेरे जल्दी आने के बावजूद भी मुझे सीट नहीं मिल पाई। पे अटेंशन टू योर वर्क डैश यू विल नॉट मेक मिस्टेक, अपने काम पर ध्यान दो आपसे गलती नहीं होगी, ठीक है,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पे अटेंशन टू योर वर्क सो दैट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सो दैट यू विल नॉट मेक मिस्टेक. म्यूजिशियन डिलीवर अ राउजिंग परफॉर्मेंस डैश द म्यूजिशियन डिलीवर अ राउजिंग परफॉर्मेंस डैश दे हैड रिहर्स्ड ऑफन दो एज वंस. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द म्यूजिशियन डिलीवर राउजिंग परफॉर्मेंस द म्यूजिशियन डिलीवर्ड अ राउजिंग परफॉर्मेंस एज दे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एज दे हैड रिहर्स्ड ऑफन, वो प्राय हमेशा रिहर्सल करते हैं परफॉर्मेंस के पहले. शी इज ऑनेस्ट डैश एवरी वन ट्रस्ट हर, शी इज ऑनेस्ट सो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सो एवरी वन ट्रस्ट हर. राइट दिस डाउन डैश यू फॉरगेट, राइट दिस डाउन यहाँ पर आ जाएगा लिस्ट यू फॉरगेट, अगर इसे लिख लो अदरवाइज तुम, या फिर लिस्ट यू फॉरगेट, तुम भूल जाओगे, नहीं तो भूल जाओगे, इसे लिख लो या नहीं तो भूल जाओगे. माई कार हैज अ रेडियो डैश सीडी प्लेयर, माई कार हैज रेडियो एंड सीडी प्लेयर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा. आई एम अफ्रेड ऑफ हाइट्स डैश आई अप्रिशिएट द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ हिज बिल्डिंग, ठीक है, आई एम अफ्रेड ऑफ हाइट्स, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, बट मुझे ऊंचाई से नीचे देखना काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है. तो यहाँ पर आ जाएगा आई एम अफ्रेड ऑफ हाइट यट, यहाँ पर आ जाएगा यट आई अप्रिशिएट द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ऊपर से नीचे में देखने मुझे उसके बावजूद मुझे अच्छा लगता है, भले मुझे ऊंचाई से डर लगता हो. आई वॉज ऑन टाइम डैश एवरी वन एज वॉज लेट, मैं समय पर आ गया बट बाकी लोग लेट हो गए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बट आ जाएगा, ठीक है. तो इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स हमने कंप्लीट किया. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा, कंजंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ इंग्लिश ग्रामर के, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए एलाइट एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल रवि के साथ. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.